अब सहवाग ने रोहित शर्मा पर करण को लेकर नई चयन समिति पर उठाए सवाल, बोले कि नमस्कार दोस्तों, दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से रोहित शर्मा को टीम इंडिया से बाहर रखने के लिए सिलेक्टरों को आड़े हाथों लिया। हाल ही में इस दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने तीनों फॉर्मेट के लिए टीमों का ऐलान किया था, लेकिन रोहित शर्मा को यह कहते हुए बाहर कर दिया था कि वह चोटिल है और मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। लेकिन टीम घोषित होने के घंटे पर ही तब तूफान आ गया जब मुंबई इंडियंस ने पहले अपने आधिकारिक अकाउंट पर रोहित की नेट प्रैक्टिस के फोटो और फिर वीडियो डालकर साफ संदेश दिया कि यह बेहतरीन बल्लेबाज पूरी तरह से फिट है। और तब से असर ये रहा है कि इस मुद्दे पर बीसीसीआई की बुरी तरह भद पिट रही है और तब से बोर्ड की आवाज को भी इस मुद्दे पर मानो लकवा मार गया। वीरेंद्र सहवाग ने मामले पर कहा कि अब जबकि ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी लंबा है और रोहित की चोट की प्रकृति को देखते हुए उन्हें दौरे के लिए ना चुना जाना बहुत ही ज्यादा गलत बात है और उनके प्रति एक कड़ा फैसला है। सहवाग ने सुनील जोशी की अध्यक्षता वाली चयन समिति को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि उनके समय में चयनकर्ता ऐसे हालात से कैसे निपटते थे। वीरू ने कहा कि मेरे समय में जब श्रीकांत चयन समिति के अध्यक्ष थे तब अगर कोई खिलाड़ी चयन के दिन चोटिल होता था तो उसे टीम में नहीं लिया जाता था, लेकिन यह दौरा लंबा है और रोहित शर्मा एक अहम खिलाड़ी है। सहवाग ने कहा कि अगर ऐसे में रोहित की चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम में नहीं लिया गया है तो यह एक सख्त फैसला है। अगर रोहित शर्मा ठीक नहीं है तो उन्हें बेड रेस्ट पर होना चाहिए, लेकिन इसके उल्ट वह नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और झमाझम स्ट्रोक लगा रहे हैं। पूर्व ओपनर ने कहा कि जिस तरह से यह मामला सामने आया वह इससे हैरान है, रोहित की चोट को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। वही सहवाग ने चोट के बावजूद रोहित के मुंबई टीम के साथ बने रहने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझे रोहित की चोट की ताजा स्थिति की जानकारी नहीं है, मीडिया को इसको लेकर सवाल करना चाहिए। मुझे बताया गया था कि वह ठीक नहीं है और अगर वह फिट नहीं है तो वह स्टेडियम के भीतर क्या कर रहे हैं। रोहित को दोनों मैचों के दौरान देखा गया, अगर वह ठीक नहीं है तो रोहित को बेड रेस्ट पर होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।